फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम टू ओरिएंटेड ड्राइंग क्लासेस। दिस इज दिव्यंका। इसका भी एक चैनल है, आप इसका भी चैनल देख सकते हो, दिव्यंकाज आर्ट एंड फन। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप देखोगे तो सबसे पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, क्योंकि वैसे ही बहुत मजेदार वीडियो आपको मिलेंगे अगर आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करोगे। दिव्यंका भी बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, आप इसके चैनल पे जरूर विजिट करो और देखो, ये बहुत ही बढ़िया बढ़िया वीडियोस बनाती है किड्स के लिए, आर्ट और फन के रिलेटेड। आज हम दोनों साथ में ड्राइंग करके दिखाएंगे किड्स के लिए बहुत ही सिंपल टेक्निक से। चलिए देखते हैं जल्दी से जल्दी। तो किड्स, आज जो मैं आपके लिए ड्राइंग लेकर आया हूँ, ये बहुत ही सिंपल है। इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। तो इसमें देखो, फर्स्ट वाला शेप हम बनाएंगे एक ओवल, ठीक है, ओवल प्लस लाइंस प्लस एक आर्क, हमें ये शेप्स आज यूज होने वाले हैं। इस शेप्स को लेके हम एक अच्छा ड्राइंग बनाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आप क्या करो, यहाँ पर एक ऐसा बड़ा ओवल बनाओ। पेंसिल कभी भी लाइट चलाना है, और जिनको ओवल नहीं आता है वो कैसा ट्रिक कर सकते हैं देखो। ओवल नहीं आता है आपको, एक लाइन ले लेना है, इसके अंदर एक छोटी लाइन सेंटर में, ये सेम डिस्टेंस ले लो, यहाँ से भी सेम डिस्टेंस, ये चारों कॉर्नर को आप जोड़ोगे तो आपको ओवल सर्कल जो भी शेप चाहिए वो मिल सकता है, ठीक है। अभी ये जो दो लाइंस है, ये दो लाइंस हम यहाँ ले लेंगे, ऐसे और ये जो थर्ड शेप है आर्क, यहाँ जोड़ेंगे। तो ये अभी देखो, ये तीन शेप यूज किए, यहाँ एक हैंडल बनाओ, यहाँ पर ऐसा हैंडल ये बनाओ, और सेम ओवल नीचे यहां से स्टार्ट करो, यहां से ऐसे इधर। तो ये सबका पहचान का ड्राइंग है, कप और सॉसर, ठीक है। अभी देखो दिव्यंका कैसा पूरा कर रही है, आप पूरा करके बाद में बीच के लाइन इरेज कर दो, वैसे भी कर सकते हो दिव्यंका की टेक्निक के जैसा। तो अभी इसको करना है आउटलाइन, ठीक है। आउटलाइन के लिए यहाँ हम यूज करेंगे मार्कर, अभी आउटलाइन कर दे दिव्यंका ने, देखो क्रिएटिविटी ऐड उसकी है, उसकी क्रिएटिविटी ऐड की है। तो इन शेप्स को नहीं आउटलाइन करना है, इनको ही आउटलाइन करना है, ठीक। तो आउटलाइन करते हैं, आउटलाइन देखो यहाँ से स्केच पेन रखा और ऐसे आउटलाइन करना है। और जैसे आउटलाइन पूरी हो जाएगी, आपको क्या करना है, पेंसिल को इरेज कर दो, जहाँ पर भी पेंसिल है उसे इरेज कर दो।
कलर स्टार्ट करता है। देखो एक ही डायरेक्शन में कलर करना है और जो भी शेप है उसका इनसाइड में आउटलाइन कर लो पहले उसी कलर से, ताकि आप उस कलर को बाहर नहीं जाने दोगे फिर ऐसे। और कलर को प्रेस नहीं करना है, प्रेस करोगे तो एकदम डार्क होगा, अच्छा नहीं दिखेगा। इसमें आप अपने मर्जी का भी कलर कर सकते हो, जो कलर आपको चाहिए। देखो दिव्यांका उसका अलग कलर कर रही है, आप भी ऐसा कर सकते हो, आपको जो चाहिए वो कलर। देखो यहाँ बाहर गया, ये नहीं जाए, इसके लिए क्या करना, पहले इसको आउटलाइन करो ऐसी। ऐसे आउटलाइन कर ली है। अभी सॉसर में हम कलर चेंज करेंगे। सॉसर के लिए हम लेने वाले हैं पर्पल। तो जो भी इसका इनसाइड शेप है इसको आउटलाइन करो ऐसे। देखो उसका आउटलाइन किया ना शेप को, तो फिर कलर हमारा उसके अंदर जाता नहीं है या उससे बाहर जाता नहीं है, ठीक है। तो यही आपको सीखना है, इससे आपका ड्राइंग बहुत अच्छा हो जाएगा। सिंपल टेक्निक से, सिंपल ड्राइंग से, सिंपल ड्राइंग सीखो और इम्प्रूव करो। इसको आप मिक्स भी कर सकते हो, लेकिन मिक्स वैसे नहीं करना है आपको, ये कलर एक दूसरे के ऊपर चला के मिक्स करना है, ठीक है। देखो ये अच्छा मिक्स होता है ऐसे। चाय दिखाना है तो आप इधर ऑरेंज या येलो कोई भी कलर कर सकते हो। दिव्यांग का भी एम्प्टी कॉफी दिखा रही है, ठीक है, इसमें चाय कॉफी नहीं डालना है, तो इसके लिए वो सेम पिंक कलर कर रही है, आप देख सकते हो।